ऐसे कि हमारी पकौड़ी अच्छे से गल चुकी है। अब हम निकालेंगे अपने प्लेट में। तो अच्छे से पक चुकी है हमारी पकौड़ी, निकालते हैं प्लेट में। पहले ना इसकी पकौड़ी बनाऊंगा, निकाल लो यार। अच्छा भी कच्चे रह जाएंगे आलू तो उसका कचारता हूँ, देख लो ना कच्चे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, फिर सबका स्वागत है एक न्यू रेसिपी में। तो हम बना रहे हैं आलू की पकौड़ी, कुरकुरी आलू की पकौड़ी। हमने कढ़ाई रख दी है, हम कढ़ाई रख दी है। अब डालेंगे रिफाइंड ऑयल में बना रहे हैं। तेल ऊपर हम देते हैं, याद रखते हैं थोड़ा ध्यान से आने देंगे एक खान के आलू। यह है आलू और यह है बगड़ का आटा, थोड़ा सा लेंगे। थोड़ी सी मिर्ची मिक्स हो गई, नमक भी इसमें हम लेकर आए नीचे से, तो थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। अब हम मिक्स करते हैं, पहले तेल को गर्म होने देते हैं। तो हमारा तेल हल्का हल्का गर्म होने लगा है, और मिलाते हैं अपने मिक्सचर को। हम बनाए हैं बगल के आटे की कुरकुरी आलू की पकौड़ी, क्रिस्पी क्रिस्पी। तो अच्छे से मिक्सचर तैयार करते हैं। आवाज ना आती रहो दीदी, थोड़ी देर रुक जाओ बस। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है। ये तेल आज आगे नहीं जल रही, आगे नहीं जल रही आज तो भैया। बेसन कहाँ से लाती हैं? ये बगड़ के आटे की कुरकुरे पकौड़ी है। किस चीज की? तो ढोर नहीं, बगड़ काट डाला उसको, मच्छर डाटा उससे माइक साइड। हटिए बहुत मतलब कल गाइस इनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो बढ़ाइए। इनके फोन में तो 1 मिलियन भी नहीं हुए हैं अभी तक, तो के तक हुए। तो हमारा तेल गरम हो चुका है, अब डालते हैं अपना खान। तो मिक्सर बनाया हमने, अब जलिए आग। हमारे पास गैस है बट तब भी हम चूल्हे पे बनाते हैं। यस, आपको दिखाने के लिए, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे कुछ। तो गैस हमारे पास लकड़ी भी नहीं है, जहां मिला वहीं से खाते हैं, एडजस्ट करते हैं। ये अलग घर में आती है, हम अलग घर में रहते हैं। ये मशीन हम भाई है ना। तो गाइस देखिए हमारा खाना, हमने पहला खाना डाल दिया है। तो फ्रेंड्स रेसिपी से पकौड़े बनकर रेडी हो जाएंगे कुछ दिनों देर में, दिनों में सॉरी। देखिए क्या मस्त कलर आ रहा है हमारे पकौड़े का। तो हम पकने देते। तो गाइस देख सकते हैं आप, हमारी पकौड़ी बनने वाली है। और ये भी एक साइड से पकेंगे, फिर दूसरी साइड से पलटेंगे जब पकेंगे। अभी एक साइड से पकने देते हैं, तो हम दूसरा घंटा करते हैं। देखिए सेकंड चलेगा, बस छेड़ मत, हिलान दो भाई। तो हम अपने घान को पलट लेते हैं। एक साइड से हमारा थोड़ा सा क्रिस्पी सीख गया है। हम सिर्फ हम बेसन का आटा नहीं डाला, बेसन नहीं डाला मतलब बिल्कुल भी, खाली बगल के आटे में ही बना रहे हैं, जिससे क्रिस्पी बनते हैं बिल्कुल पकौड़े। तो हम फिर से दूसरा खाना तैयार करते हैं। फिर से थोड़ा सा आटा, फिर से थोड़ी सी नमक और मिर्ची। यह है सिंपल सी पकौड़ी, क्योंकि ये बच्चे भी खाएंगे तो उनके लिए ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ सिंपल सी पकौड़ी बना रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए हमारे पकौड़े अच्छे से गल चुके हैं। अब हम निकालेंगे इन्हें प्लेट में। तो वो अच्छे से पक चुके हैं हमारे पकौड़े, निकालते हैं प्लेट में। पहले ना इसकी पकौड़ी बनाऊंगा, निकाल लो यार। अच्छा भाई कच्चे रह जाएंगे आलू, तो उसका अचार था। देख लो ना कच्चे हैं, तो अब निकालते हैं हम अपनी पकौड़ी प्लेट में। तो फ्रेंड्स हमने पकौड़ी निकाल ली प्लेट में सारी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें एंड शेयर करें। आप सबको हमारी रेसिपी पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए हमारी क्रिस्पी पकौड़ी बनकर रेडी है आज ही खाने के लिए। देखिए क्या मस्त कलर है हमें पकौड़ी का। तो मिलते हैं हमसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। डाल वे प्रसाद वो डाल।